कोरोना महामारी से तृतीय पंक्तियों को बचाने के उद्देश्य से एक स्पेशल लसीकरण मुहिम अंतर्गत सोमवार को शहर में तृतीय पंक्ति पर के लिए लता मंगेशकर रुग्णालय सीतापट्टी में लसीकरण कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने इस संबंध में अधिक जानकारी साझा की। नागपुर शहर में बड़ी संख्या में तृतीय पंथी वर्ग मौजूद है, जिसे देखते हुए और कई तृतीय पंथी संगठनों की मांगों को मद्देनजर रखते हुए सोमवार को शहर में एक स्पेशल लसीकरण मुहिम अंतर्गत तृतीय पंथी वर्ग के लिए लता मंगेशकर रुग्णालय सीतापट्टी में लसीकरण कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी मौजूद थे, जिस दौरान उन्होंने बताया कि तृतीय पंथी संगठनों की मांगों को देखते हुए और उसकी जरूरत को देखते हुए इस कैंप का आयोजन किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि शहर में दो जगहों पर इस कैंप का आयोजन किया गया है। महानगर पालिका और गवर्नमेंट एकूण जवळपास 150 वैक्सीनेशन सेंटर्स आज सुरू है। या वैक्सीनेशन सेंटर्स मध्ये कोविशील्ड आणि कोवैक्सीन यांचा डोज आम्ही लोकांना देतो आहोत। आजपर्यंत जवळपास 7.5 लाख लोकांचे फर्स्ट डोज झालेला आहे आणि सेकंड डोज उरलेल्या 3-3.5 लाखांचे सेकंड डोज पण झालेले आहेत। याचाच पुढचा टप्पा म्हणून आम्ही काही स्पेशल कॅम्प्स पण घेतो। त्या स्पेशल कॅम्प्समध्ये आज इथे ट्रान्सजेंडर्ससाठीचा जो मोठा समूह नागपुरात आहे, या ट्रान्सजेंडर्सला सुद्धा वॅक्सिनेशनमध्ये कवर करावं या उद्देशाने त्यांच्या काही संघटना आमच्याकडे अप्रोच झाल्या आणि शासनाने सुद्धा याबाबत डायरेक्शन्स दिल्यावर आम्ही आज ट्रान्सजेंडरचा वॅक्सिनेशन कॅम्प नागपुरात 2 ठिकाणी सुरू केलेला आहे। या सेंटरवरती मी जिथे उभं आहे, लता मंगेशकर हॉस्पिटल सीताबर्डी, या सेंटरवर सुद्धा ट्रान्सजेंडर्ससाठी वॅक्सिनेशन कॅम्प आयोजित केलेले आहे। आमच्या इथले डॉक्टर इन्चार्ज डॉक्टर सोनकुसरे मॅडम, ज्या धर्मपेठ सोनच्या इन्चार्ज आहेत, सहाय्यक आयुक्त वराडे साहेब, आणि इथे आमची जी वॅक्सिनेशनची टीम आहे, म्हणजे वॅक्सिनेटर्स आहेत, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स आहात, या सगळ्यांच्या सहाय्याने सर्व ट्रान्सजेंडर्सनी या वॅक्सिनेशन कॅम्पचा पूर्ण लाभ घ्यावा अशी मी सगळ्यांना अपील करतो। शहर में जितने भी तृतीय पंथी लोग हैं, उन्हें इस कैंप का लाभ उठाना चाहिए, ऐसी अपील इस दौरान अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने की। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।